सो हे गाइस, वेलकम टू द डैमर्स यूट्यूब चैनल। आ चुके अपने नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं हाउस स्लीपर और ये होने वाला है उसका पार्ट 12। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन जस्ट हिट द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो सेट द बेल आइकन टू ऑल। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट वीडियो से आप देख रहे हो कि हम अपना मेंशन कैसे अच्छे से मतलब डेकोरेट कर रहे हैं, और अपन हमने किचन और ये रूम दोनों ही डेकोरेट कर दिया है। और मैं इस रूम में कुछ भूल गया था गाइस, तो अभी लगा देते हैं। मैं यहाँ पे लैंप भूल गया था फ्लोर वाला, तो यहाँ पे जल्दी से सर्च करते हैं फ्लोर लैंप और इधर जल्दी से इसको लगा देते हैं फ्लोर लैंप। ओके, कौन सा बेटर रहेगा? आई थिंक थर्ड वाला बेस्ट रहेगा। तो इसको एक इधर लगा देते हैं। ओके, एक इधर लग जाएगा, इधर कॉर्नर में लगा देते हैं। यहाँ भी अच्छा लगा। अबे भाई, एक और लग गया, बट अपन लोग को तीन ही लगाने हैं। एक इधर लगा दूंगा, नहीं इधर तो नहीं आएगा। ओके, तो ये उठा के उधर लगा देते हैं टीवी के एकदम बाजू में। कुछ ऐसे ही लगाया मैंने, कुछ इसका कुछ काम तो आएगा नहीं, बट जस्ट ऐसे ही। ओके, तो ये अपना पूरा रूम एकदम कंप्लीट हो चुका है। ओके, ये हो गया कंप्लीट। अभी अपन हम लोग अंदर वाला रूम अच्छे से डेकोरेट करते हैं। मैं सोच रहा हूँ, अरे भाई ये कहाँ रह गया भाई, ये स्विच हमने मतलब रिपेयर ही नहीं की थी, तो जल्दी से इसको भी पहले रिपेयर कर देते हैं और फिर बढ़ते हैं अपने न्यू रूम की मॉडिफिकेशन में। तो मैं सोच रहा हूँ उस रूम को अपन लोग जिम बनाए, मतलब पूरे घर में इतने रूम हैं, हम जो चाहे वो बना सकते हैं। तो मतलब एक किचन हो गया, एक रूम हो गया मतलब लिविंग रूम हो गया, और ऊपर एक स्टूडियो बनाएंगे। और इस रूम को मैं सोच रहा हूँ अपन लोग जिम बना दे, जो कि बहुत ही बढ़िया रहेगा फ्लोर पे। तो ओके, यहाँ पे ये देख लो कॉकरोच भाई। मैं लगभग पहली बार ये वैक्यूम क्लीनर का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले इसका ज़रूरत ही नहीं पड़ी भाई। पहली बार मैं आई थिंक यूज़ कर रहा हूँ, बट मेरे को याद नहीं है पहले मैंने किया कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कचरा है, तो मैं इसको निकाल देता हूँ पहले। तो पूरा रूम हमने क्लियर कर दिया है। ओके, मैं इस पार्ट को बीच में से कट कर दिया, क्योंकि मैं आपको बोर नहीं करना चाहता था। ओके, तो ये कुछ इस तरह का है, और हमने यहाँ पे स्विचेस वो भी कुछ नया था वो लगवा दिया है। ओके, तो अभी पहले प्लास्टर लेते हैं, और जो भी वॉल ख़राब है उनको पहले अच्छे से प्लास्टर कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर मैं आई थिंक पेंट कर दूंगा, और ये खिड़कियाँ चेंज करनी है वैसा है, और कुछ जिम एसेसरीज भी लगानी पड़ेगी हमको। तो इधर भी एक और पेंट लगा देते हैं, पहले ये मतलब प्लास्टर ही कर देते, पेंट क्या भाई। इधर भी प्लास्टर, ये कुछ पार्ट्स में प्लास्टर हुआ है ऐसा है आई थिंक। यस, इधर नहीं होगा भाई। तो भाई इतने में क्यों किया भाई, पूरे में कर देते, इतनी मेहनत भी क्यों करवा रहे हो तुम। ओके, अभी कहाँ बाकी रह गया? ओके, इधर बाकी रह गया एक। ओके चलो डन, प्लास्टर अपन लोग ने हम लोग ने कंप्लीट कर दिया है, इसको भी अभी बेच देते हैं कि ये गया। अभी क्या करें भाई, ये कारपेट नहीं भाई, ये नहीं बिकेगी, तब ये फ्लोर ही एक टाइप का। ओके, तो पहले यहाँ विंडोज़ अच्छी लगा देते हैं, इसका पुलर भी लगा देते हैं अच्छे से। ओके, दोनों विंडोज़ का पुलर हो गया। ओके, यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी विंडो सेट आएगा, ये देख लो ये आ गया भाई, ये नहीं आया। ओके, वॉशिंगटन वाली। ओके, ये भी लग गई, इधर भी पुलर अच्छे से लगा देते हैं पहले। ओके, ये लग गया, और इधर भी चलो ये लग गया, बहुत ही मस्त लग रहा है गाइस। ओके, और ये मैंने ये डोर चेंज ही नहीं किया मतलब, तो इसको भी चेंज कर देते। ओके, ये कुछ इस टाइप से हो गया। अभी स्विच बोर्ड को लेते हैं, ये नीचे नहीं अच्छा लगेगा, एकदम डोर के बाजू में लगा देंगे। डोर खुलेगा तो आई थिंक ये इसमें अपन लोग कुछ कर सकते। ओके चलो, डोर उतना भी नहीं खुल रहा कि उधर स्विच बोर्ड पे ही लग जाए। तो यहाँ पे लैंप भी अपन लोग चेंज कर देते हैं इधर। और ये जिम है, तो मैं सोच रहा हूँ इसको बेच दे पहले इसमें, क्योंकि लैंप नहीं लगेगा मतलब वो वॉल पे माउंट होने वाली लाइट है ना, वही अच्छी लगेगी। तो जल्दी से पहले लाइट सर्च करते हैं, उसको भी ऊपर माउंट कर देते हैं। ओके ओके, ये रही, इसको दो देखते हैं और कुछ है कि नहीं। नहीं गाइस, और तो कुछ नहीं, ये ही लगानी पड़ेगी। चलो, और इसको मैं ऐसे ही रफली लगाने वाला हूँ, क्योंकि हमको नहीं पता चलेगा एकदम परफेक्ट लोकेशन कि इसको इधर लगाना है, इसको इधर लगाना है, ऐसा हमको नहीं पता चलेगा। तो मतलब जिम में पूरे जहाँ मन लगे वहाँ लगा देता हूँ। ओके, अरे भाई कहाँ गई? और एक तो मैं पहले बाय मैन ही करना भूल गया था, तो मतलब हमको बार बार खोलनी नहीं पड़ेगी, बाय मैन ही कर देते इस बार। ओके चलो, बाय मैन ही। ओके, एक इधर लग गई, एक इस कॉर्नर पे भी लग जाएगी। ओके, ये एक इधर लग गई। ओके, यहाँ पे बीच में भी एक, छोड़ो यार, अभी ऐसे तो हमको लगानी पड़ेगी जिम में कहीं ना कहीं। तो एक आध दो इधर भी लगा देते हैं, एक बीच में भी आ जाएगी। ओके, ये किधर, और एक इधर सामने की साइड भी, इन दोनों के बीच में लगा देते हैं एक। ओके चलो, इतनी तो काफ़ी है भाई।
वैसे इनका कुछ मतलब भी नहीं है क्योंकि हम इसको यूज़ भी नहीं करते वैसे तो। ओके ये होगी डन। अब बारी है पेंट की, तो क्या पेंट करें भाई, वुड फिनिशिंग ही होगा ना इधर भी, पूरा वुड फिनिश ही करते हैं भाई, वही अच्छा लगेगा ना इसमें पूरा, मतलब फ्लोर वुड का है तो ये भी वुड का ही रखते हैं। चलो तो जो हमने वॉल्स पे लगाया था वही पैनल इधर भी लगा देते हैं, जल्दी से पूरी वॉल पे लगा देते हैं। ओके गाइस मोस्टली पैनल्स लग गए और ये लास्ट वॉल पे भी। ओके चलो हमने पूरे में पैनल्स लगवा दिए तो बहुत ही मस्त लुक आ रही है। अभी हम फ्लोर पे भी वही सेम पैनल लगा देते जो हमने बाहर किचन में और लिविंग रूम में लगाई थी, तो इसको भी इधर लगा देते हैं जल्दी से। कि ये डन, ये भी डन, ये भी डन। ये बोरिंग काम है, बहुत बोरिंग काम है, मेरे को करने में इतना कंटाला आ रहा है, तो आपको तो मज़ा नहीं आएगा मैं समझ सकता हूँ, बट क्या करें, वीडियो भी तो लंबी करनी पड़ेगी ना, दिस इज बिजनेस ब्रो। ओके चलो इधर भी लगा ही देते हैं, और ये मैं तब तक लगाता हूँ तब आप वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो, और चैनल पर ना तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही हमारे मज़ेदार गेमिंग वीडियोस देखने के लिए। और मेरे को एक बहुत ही अच्छी हॉरर गेम नीचे कमेंट में सजेस्ट कर दीजिए जो आप वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देखना चाहते हैं। ओके तो यहाँ पे भी लगा देते हैं जल्दी से, क्योंकि मेरे को ना गेम ही नहीं मिल रही जो कि हमको खेलनी चाहिए, मेरे को पता ही नहीं चला ये अच्छी लगेगी ये अच्छी लगेगी वैसा कुछ। तो आपको कुछ पता हो अच्छी हॉरर गेम्स के बारे में तो प्लीज़ कमेंट में डाउन, तो नेक्स्ट वीडियो हम उनकी भी बना देंगे। और यहाँ पे मैंने चोरस पार्ट जानबूझ के छोड़ा है, तो मैं एक सोच रहा हूँ यहाँ पे कुछ अलग मतलब लगाते हैं, रुको अलग मतलब पैनल्स, फ्लोर पैनल्स लगा देते हैं। ओके तो ये सही रहेगी क्या, ये अच्छी तो लग रही है बट इतनी भी खास लग नहीं रही है। मैं एक सोच रहा हूँ इधर पूरा ब्लैक लगा दें, मतलब ब्लैक सर मतलब ब्लैक ही लगा दें मतलब पूरे में उधर। ओके तो ये ब्लैक हो गई, ब्लैक स्क्वायर लगा देते हैं, पूरा ब्लैक कर देते हैं उस स्क्वायर को। ओके ये हो गया ब्लैक, मतलब मस्त अच्छा लग रहा है, इतना मस्त तो नहीं बोलूँगा क्योंकि बट अच्छा लग रहा है। तो अभी हम यहाँ पे जिम एसेसरीज लगवाना चालू कर देते हैं, पहले इधर रेडिएटर लगा देते हैं भाई, बड़ा वाला रेडिएटर लगा के इसको ऊपर ही ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि आपको पता है हम नीचे कुछ भी रेडिएटर वाला नीचे नहीं रखते हैं, तो रेडिएटर को भी ऊपर ही ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके ये हो गया, रुको इसके उसके साथ ही लेना पड़ेगा, उसके स्टैंड के साथ ही, तो ये ले लिया और इधर हो जाएगा इजीली माउंट। ओके तो यहाँ पे और एक और रेडिएटर है, इधर भी लगा देते हैं एक रेडिएटर और फिर इसको भी ऊपर ही माउंट कर देंगे। रुको पहले इसको ऐसे ही इसके साथ माउंट कर देते हैं और पूरे स्टैंड के साथ ऊपर इसको माउंट कर देते हैं। अरे भाई यहाँ से नहीं उठाना था। ओके वेट वेट वेट, चलो ये भी ले लेते हैं। भाई ये क्या हो रहा है, तमीज से आना भाई। ओके तो इधर भी हमने इसको भी लगा दिया है, तो हम यहाँ पे अभी एसेसरीज लगवाना चालू कर देते हैं जिम की, क्योंकि आई थिंक सभी काम तो हो गया है, जो वॉल और फ्लोर का वैसा कुत्ता सब हो गया है। तो जिम एसेसरीज भाई मेरे को याद ही नहीं है कहाँ थी जिम एसेसरीज, रुको ढूंढते हैं पहले। ओके यहाँ पे जिम का कुछ अलग सेक्शन तो है ही नहीं, इधर ऑल एसेसरीज में नहीं है, बाथरूम में तो क्या ही होगी, बेडरूम में भी नहीं होगी, नीचे से फिटिंग में नहीं, हाँ होगी भाई, रुको नीचे से स्टोरेज नहीं भाई, नहीं इधर भी नहीं, प्लान्स पे भी नहीं, पैनल्स में भी नहीं, पेंट्स में भी तो नहीं होगी ऑब्वियसली, ऑफिस में नहीं भाई, ऑफिस में भी नहीं, लिविंग रूम नहीं, लिविंग रूम में भी कैसे होगी यार, इधर भी नहीं, लाइट्स इधर तो लाइट्स ही होगी, किचन में तो क्या ही होगी भाई, रुको तो अभी चेक तो कर ले, डोर्स भी नहीं, फिटिंग्स भी नहीं, फायर प्लेस नहीं, इधर नहीं होगी, इधर नहीं होगी, रिडेकोरेशन अच्छा इधर ही होगी, चलो ओके चलो मिल गई। तो यहाँ पे इतनी सारी जिम एसेसरीज है जो आप पूरे रूम में लगाने वाले हैं, इसको पहले इधर लगा देते हैं, मोड़ देता हूँ भाई इस तरफ नहीं, इस तरफ फेस होगा तो अच्छा लगेगा। ओके तो इधर इसको कर दिया है सेट, चलेगा ना, चलो बढ़िया, रुको इसका कलर देख लेते हैं एक बार पहले। ओके चलो यही बेस्ट लगेगा, अपनी थीम को सूट करेगा। ओके तो ये अपन लोग ने इधर भी लगा दी है, और दूसरा ढूंढते हैं, इसको लगा देते हैं इधर। ओके ये भी यहाँ पे बढ़िया लगेगा, और जिम एसेसरीज भी ढूंढनी पड़ेगी, तो इसको रहते हैं और इसको एकदम मिडल में लगाते हैं, आई थिंक वही अच्छा लगेगा। ओके तो ये गाइस ये लगा दिया हमने मिडल में। ओके देन नेक्स्ट ये पंचिंग बैग, इसको हम इधर कॉर्नर में थोड़ा मोड़ के रखेंगे, इनको
ओके चलो ये भी डन, और इसको इधर माउंट कर देते हैं। ये पीछे रेडिएटर है तो पूरा मतलब दीवार की तरफ ही माउंट नहीं होगा, थोड़ा दूर रहेगा। और ये ग्लव्स है तो एक काम करते हैं, पहले टेबल परचेस करते हैं, उसके ऊपर ये ग्लव्स और जो भी अपना मतलब जिम के आइटम्स है वही रख देते हैं, जो बैग्स है वही। कहीं यहाँ पर स्क्वेलिंग गलत लग दिया मैंने भाई। कौन सा टेबल है भाई जिम के लिए? ओके कौन सा ले भाई टेबल? नहीं ये नहीं रहेगा सही, रुको रुको रुको, कौन सा ले, ये सही रहेगा। चलो इसको लगा देते हैं इधर एकदम कॉर्नर में, इसको रख देते हैं। इसके ऊपर हम ग्लव्स वगैरह जो भी अपन लोग को जिम का रखना है तो इधर ही रख देंगे। अरे भाई फिर से जिम कहाँ गया? हाँ तो मेरे को याद भी नहीं आ रहा है भाई, ऐसे ही नहीं नहीं कहाँ है? अच्छा ये डेकोरेशन दिया, चलो याद आ गया भाई। ये बार बार कहाँ जा रहा है पता नहीं। ये ग्लव्स इधर रख देते हैं, दूसरा भी ग्लव्स ले लेते हैं, और इसको कॉर्नर में एकदम कॉर्नर में रखते हैं। नहीं इधर ही नहीं, चलो कॉर्नर में ही रखते हैं। ओके मैं सोच रहा था बीच में कैसा रह गया। ये डंबल्स नहीं गए, डंबल्स को अपन पूरे न्यू टेबल्स में लगाएंगे। इधर बीच में ये बैग लगा देते हैं। ओके इस बैग को कलर चेंज किया रेड, और इसको थोड़ा सा मोड़ के, चलो ये भी डन। और कुछ लगाने के लिए है? नहीं गाइस और तो कुछ आई थिंक नहीं है, बट भी देख लेते हैं। नहीं गाइस और तो कुछ नहीं है, तो हम अभी क्या डंबल्स ही रह गए ना, नीचे देख लेते हैं ये। ओके चलो टेबल्स और एक नई और टेबल ख़रीदते हैं, और उसके ऊपर हम पूरे डंबल्स लगा देंगे। ओके पूरे तो क्या, थोड़े ही है, दो तीन, दो ही आई थिंक, दो भी नहीं एक ही है, वो तो दूसरा तो अलग पार्ट है। ओके तो इसको इधर रख दिया, और वो डंबल्स ले लेते हैं फिर से। अरे भाई फिर से कहाँ गया? अच्छा इधर इधर इधर, अरे अरे नहीं इधर भी नहीं भाई, इसे बार बार मैं भूल जा रहा हूँ कहाँ गया भाई। अभी पक्का, चलो डेकोरेशन अभी याद आएगा, अभी इसको भूलूंगा नहीं मैं। डेकोरेशन में जिम का आइटम होता है। ओके ये रट लिया हमने, अब इसके बाद नहीं भूलूंगा कभी। चलो इधर इसको आगे रख देते एक और बाजू में, नहीं गाइस इधर आगे रखते हैं, रुको इधर एक। ओके नहीं इतने भी नहीं डंबल लगाने, वो कुछ नीचे वो था वो इधर लगते हैं क्या गाइस? रुक तो इसको भी देख लेते हैं, ये वॉल पे माउंट होता है आई थिंक, यस। तो इसको किधर माउंट करें? इधर माउंट कर देगा इस वॉल पे, इधर इधर मैं बोला इधर। इसको बाजू बाजू में लगा देते हैं। मैं सोच रहा हूँ एक पे एक ट्रायंगल बना देते हैं, रुको इसको नीचे, नहीं नहीं इधर। ओके एक ट्रायंगल टाइप का इससे बना देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लुक देगा हमारे इस जिम को। ओके तो इसको ऊपर लगा दिया, नहीं भाई अच्छा सेट नहीं हो रहा, चलो छोड़ो यार जैसे भी ओपन लगा देते हैं। ओके इधर भी चलेगा, चलो और दो ऊपर, उसके ऊपर भी एक आ जाएगा, एक इधर भी हो गया, और ये आखिरी वाला इधर। ओके तो गाइस ये बहुत ही मस्त लुक दे रहा है, देख सो हमारे जिम की मतलब क्या बात करूँ मैं, बहुत ही मस्त मॉडर्न जिम लग रहा है। ओके और यहाँ पे दो तीन एसेसरीज रह गई थी, उसको भी हम इधर लगाते थे। नहीं इधर नहीं लगाऊंगा क्योंकि आगे पंचिंग बैग पे मारने का होता है, तो ऐसे नहीं मार सकते ना अपन लोग। देखो इधर इधर देखो ऐसे। ओके इधर एकदम खिड़की से सामने से लगा देते हैं क्योंकि अच्छा लगेगा, और तो क्या, उसका कोई कारण तो होता नहीं है भाई, रीज़न उसका कुछ है नहीं, बस ऐसे ही हम लगा देते हैं। इसको भी इधर लगाते थे बाजू में, और क्या है जिम एसेसरीज में और तो कुछ ही नहीं है भाई। तो एक काम करते हैं मशीन को एक और ले लेते हैं, और इसके आगे लगा देते एकदम आगे। ओके ये बहुत ही मस्त लुक दे रही है गाइस, और मैं सोच रहा हूँ अभी और भी मैं मॉडिफाई कर दूँ, बट ये बहुत वीडियो लंबी हो गई है। तो गाइस और तो क्या करें, तो आज के लिए इतना ही रखें क्या, आज बहुत मज़ा आया। सो दैट्स इट फॉर टुडे, इफ यू लाइक द वीडियो देन जस्ट हिट द लाइक बटन, प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो सेट द बेल आइकन टू ऑल। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।